ये सेना के जवान वन रैंक वन पेंशन मांगते थे, सेना के निवृत्त जवान वन रैंक वन पेंशन मांगते थे, और मोदी के आने के बाद मांगते थे ऐसा नहीं है, 40 साल से मांगते थे। इनके परिवार के लोग प्रधानमंत्री थे तब भी मांगते थे, लेकिन सेना के प्रति उनके मन में जो भाव पड़े हैं उसका परिणाम यह आया, 40 साल तक उन्होंने वन रैंक वन पेंशन नहीं दिया। देश के सेना के जवान मांगते रहे, इन्होंने कभी सुनी नहीं। भाइयों बहनों, 2014 में आपने मुझे प्रधान सेवक की जिम्मेवारी दी, मैंने फाइलें निकाली, आप हैरान हो जाओगे, फाइल में इनके पास हिसाब किताब ही नहीं था कि कितने जवान है, कितना वन रैंक एंड वन पेंशन का खर्चा बढ़ेगा, कोई हिसाब नहीं किया था, उनके लिए वो मुद्दा ही नहीं था। भाइयों बहनों, देश की सेना का सम्मान करने के हमारे संस्कार के कारण हमने आकर के वन रैंक वन पेंशन लागू कर दिया, और मेरी देश के सेना के निवृत्त जवानों को 11,000 करोड़ रुपया, ये छोटा आंकड़ा नहीं है, 11,000 करोड़ रुपया उनको दे दिया गया। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, अगर आपने गलत लोगों को वोट दिया होता, 2014 में नामदार को बिठाया होता, तो सेना के जवानों को 11,000 करोड़ मिलता क्या? सेना का भला होता क्या? सर्जिकल स्ट्राइक होती क्या? बम धमाके बंद होते क्या? ये आपके वोट की ताकत को पहचानो भाइयों, ये आपका वोट की ताकत है कि जिसके कारण देश में कुछ अच्छे काम हो रहे हैं।